हमरे तो भागे खोटे हैं, जान परत है कि यहाँ शरण लिए हैं हुक्के खातिर। इनका हुक्का बनाओ, इनकी बातें सुनो, मालन मालन मंत्र जपते रहे हैं। मालन हुक्का, मालन हुक्का। हाँ, यहाँ आग ना जले, आग ना तपे, तो इनका हुक्का कैस बनी। हाँ, अब सुलगा है इनका। सुलग गवा हुक्का, अब देव इनका ई हुक्का। तब कही है मालन तुमरे ही हाथ का हुक्का सबसे नीक लागे। ले पियो हुक्का, अब 5 मिनट के बाद फिर ना कहियो कि मालन हुक्का। हाँ। संसार का रुख पलटा है, विनाश के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। अब क्रम कुछ भिन्न होगा, दरारें पड़ेंगी, काफी विनाश होने के बाद ही अच्छे दिन आएंगे। रामचंद्र, हनुमान जी महाराज तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी संकल्प शक्ति बहुत प्रबल थी। मैंने सागर की उस गैस से लंका दहन किया जिसकी काट रावण के पास नहीं थी। लंका के चारों ओर ये गैस विपुलता में मौजूद है। मैंने अपनी संकल्प शक्ति से उसे महासागर से निकाला और लंका की ओर प्रेरित किया। लंका सोने की नगरी थी ऐसा कहना मूर्खता है। इसका केवल इतना अर्थ है कि उसके जैसा सुंदर और कोई नगर नहीं था। रामचंद्र, योगीराज शंकर तुमसे बात करेंगे। मैंने योगिक शक्ति द्वारा अपने शरीर का कई बार कायाकल्प किया। मैं बहुत दिनों तक जीवित रहा। जब भी मैं चाहता था यौगिक शक्ति द्वारा युवा हो जाता था। कैलाश मेरा निवास स्थान था, मैं वहीं रहकर योगा अभ्यास करता था। साधना के संबंध में बहुत से महान ऋषि मुझसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते थे। रावण मेरा शिष्य था, उसने शक्तियां प्राप्त की और उनका दुरुपयोग किया। उसकी बुद्धि विकार युक्त थी, उसके पास वे सिद्धियां थीं जिसे पंचाग्नि विद्या कहा जाता है। इसके आगे उसका अधिकार नहीं था। रामचंद्र, गांधी जी की आत्मा की शांति के लिए ध्यान में बैठो। ईश्वर की इच्छा का पालन करना ही पड़ता है, कोई इसे भंग नहीं कर सकता। संसार में जो घटित हो रहा है उसकी चिंता मत करो, जो काम तुम्हें सौंपा गया है तुम उसे करो। घटनाओं को लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों, क्या तुम्हें गांधी जी की मृत्यु से धक्का लगा? स्वभावतः लगना भी चाहिए। वे एक महान पुरुष थे, एक महान राजनीतिज्ञ, जिनको विश्व उनके काम के लिए याद करेगा। भारत को भविष्य में ऐसा महान राजनीतिज्ञ देखने को नहीं मिलेगा।
लालाजी महाराज की कृपा से हमारी पत्नी को मुक्ति मिल गई है। हमें अपना जिस्म छोड़ने तक उसकी अस्थियां बचाए रखने का हुक्म दिया गया है। गुरु की इबादत सारी बीमारियों की अक्सीर दवा है, और जो लोग अपना समय फालतू जाया कर रहे हैं, अगर उनमें फर्ज निभाने का थोड़ा सा भी जज्बा है तो बाद में जरूर अफसोस करेंगे। लाला जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के हुक्म का पालन पूजा से भी कहीं बढ़कर होता है, और जो भी लाला जी महाराज के हुक्म को मानता है, आगे बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ खुद बखुद खींचा चला जाता हूँ। बाबूजी, संस्कारों का बनना कैसे रोका जाए? अगर हम अपने दिल में ये जज्बा लाएं कि ये काम हमारी जगह हमारे गुरु कर रहे हैं, तो हम कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में रहते हैं और वो काम हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालता है, और इस तरह जल्द ही हमारे संस्कारों का बनना रुक जाता है और हम बता रहे हैं कि अगर ये तकनीक अच्छे से अपनाई जाए तो हर वक्त गुरु का अंदर और बाहर एक एहसास महसूस होता है। कस्तूरी बिटिया और तुम, हम तुम दोनों को एक खास काम सौंप रहे हैं। कल जो अभ्यासी दक्षिण भारत से पहली बार आ रहे हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखना। ये सब लाला जी महाराज की मेहरबानी है कि अब हमारी संस्था दक्षिण भारत में भी जाके फैल रही है। हम उनके हुक्म से 1945 में जाके वहाँ पे ट्रांसमिट किए थे, और देखो अब जाकर उसका असर दिख रहा है। तुम लोगों को उनका पूरा ख्याल रखना है। वो खाने में चावल ज़्यादा पसंद करते हैं और खाने के साथ दही भी ज़रूर लेते हैं। जी गुरुजी। तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। बाबूजी, उनके रहने और खाने का सारा इंतजाम कर दिया है, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सारा काम संभाल लेंगे। चौबे जी। जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। भाई, 3 दिन बाद बसंत है, और ये आप 1.5 रुपए रखिए। धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी, आप हर साल बसंत में इन लोगों को 1.5 रुपया क्यों देते हैं? भाई देखो, हम बहुत मतलबी हैं। हम तो 8 आने इसलिए देते हैं क्योंकि वो चौबे हैं और उसको मिठाई बहुत पसंद है, और 1 रुपया हम पतंग उड़ाने को इसलिए देते हैं क्योंकि फिर सारे बच्चे उसके साथ पतंग उड़ाने लगते हैं, और इससे शोर कम हो जाता है और पूजा में मदद मिलती है। तो भाई हम हुए ना मतलबी। पूजा शुरू कीजिए। बस कीजिए। काशी राम जी। जी। इसको पहले बच्चों में बांट दीजिए। अच्छा। आज बसंत पंचमी का दिन है, और बाबूजी महाराज के आदरणीय मालिक और हम सबके आदि गुरु लाला जी महाराज का जन्मदिन है। ये दिन
हम सब भंडारे के रूप में मनाते हैं। अब पूजा के बाद आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए और उसके बाद हम सब बाबूजी के साथ हवन में बैठेंगे। 12 बजे दोपहर के खाने का इंतज़ाम होगा। शाम की पूजा 6:30 बजे से होगी और रात का खाना 8:30 बजे से मिलेगा। आप सभी से आशा है कि हम सब इस पवित्र दिन के आध्यात्मिक माहौल में डूबकर उसका पूरा लाभ उठाएंगे। ये क्या बन रहा है? आलू टमाटर की सब्जी बन रही है और धनिया मिर्च की चटनी। केसर बेटी आप क्या बना रहे हो? बाबूजी हम गंगा फल बना रहे हैं। और आपकी मनपसंद गुइया की सब्जी भी बन रही है। अच्छा अच्छा। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद है, थोड़ा और मिलेगा? ये प्रसाद है भैया, बाबूजी ने कहा है प्रसाद उतना लेना चाहिए जिससे कि मल ना बने। जी बाबूजी अब बहुत देर हो चुकी है, चलिए अब आप खाना खा लीजिए। केसर बिटिया हम क्लीनिंग कर रहे हैं, तुम जाओ हम बाद में खा लेंगे। अच्छा बाबूजी। अरे केसर बिटिया। जी अम्मा। रामचंद्र आया नहीं? नहीं बाबूजी, सफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। तनिक तुम जाकर खाना लगाओ जी, हम कस्तूरी बिटिया को भेजते हैं। जी अच्छा। कस्तूरी बिटिया। जी माता जी। तनिक इधर तो आओ। जी आई। कहिए माता जी। तुम जाकर जरा रामचंद्र को बुला के लाओ, बहुत रात हो गई है, सब लोग खा चुके हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। जी अभी बुलाती हूँ।
बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो स्वीपर का काम है, आप खाना खाने आ जाइए। कस्तूरी बिटिया, मालिक का काम भी तो स्वीपर का है। तुम जाओ, हम बाद में आएंगे। ठीक है बाबूजी। भाई, वो मार्ट साहब को जरा बुला दो, एक लेटर डिक्टेट करवाना है। बाबूजी, वो तो घर चले गए। अरे काशीराम जी। जी बाबूजी। यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखना है, जरा आप लिख देंगे? मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। जी। डियर सर, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर बुलेटिन एंड आई पोर फॉर्थ ए वार्म रिगार्ड्स फॉर द अवेकनिंग फॉर द पीस क्रिएटेड अमंग अवर ब्रदरन ऑफ द वर्ल्ड। The idea of peace, common in all minds, though shattered by the self of the individual mind, is working on individualistic basis to gain one's own end on account of the narrow-mindedness of people, to dissipate the idea of individual self and to work harmoniously for the common good is the demand of the time. The conferences and meetings held for the purpose may only be like a spark to offer a temporary glow to the scattered fragments of peace. These cries in the wilderness will not carry far on the path of success because of the material agony of faith working at the bottom. Unless the foundation of peace is made to rest on a spiritual basis, no better prospect can be expected. It is but definite and certain that sooner or later we will have to adopt spiritual principles if we want to maintain our existence. Arrogance cannot be stopped by material force. It is only the spiritual force which can remove the causes of war from the minds of people. How to introduce these things among the masses who are not yet familiar with the accuracy of the mark is the next problem and is equally intricate. If my opinion were to be invited, I would lay down the simplest possible method as given below. Let us all brothers and sisters sit daily at a fixed hour individually at our respective places and meditate for about an hour, thinking that all people of the world are growing peace-loving and pious. This process suggested not with exclusively spiritual motives is highly efficacious in bringing about the desired results and weaving the destiny of miserable millions. With prayer for the success of your noble mission, yours, Ramchandra, President, Shri Ramchandra Mission, Shahjahanpur, UP, dated 8th July 1957. Babuji, लोग आते हैं और यहाँ तमाशाई होते हैं। हाँ भाई, लोग हज करने भी जाते हैं। वैसे यहाँ भी आ सकते हैं, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। ये तो वैसा ही है जैसे कि मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी। पुरानी आदत एक न गई, रहे पाजी के पाजी। हुजूर, इस दरे दौलत पर तो लाखों गधे आते होंगे। हाँ भाई, आते तो हैं, लेकिन हम उन्हें इंसान बनाकर वापस भेज देते हैं। पता है गधे को गधा क्यों कहा जाता है? एक कैफियत तो यह है कि गधा अपना घर भूल जाता है और वापस नहीं पहुंच पाता। दूसरी कैफियत यह है कि वो हरियाली देखकर दुखी होता है और सूखा देखकर खुश होता है। हरियाली देखकर सोचता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, और सूखा देखकर सोचता है कि मैंने सब कुछ खा लिया है। बाबूजी, मेरे मन में बहुत सवाल उठते रहते हैं। हम बता सकते हैं कि आपके मन में इतने सवाल आते कहाँ से हैं? बताइए। इतने सवाल आते हैं क्योंकि आप कुछ करते धरते हैं ही नहीं। वैसे करते धरते तो हम भी कुछ नहीं हैं। देखा, एक चोर ने दूसरे चोर को कैसे पकड़ा। बाबूजी, एक शेर सुनाना है आपको। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। बाबूजी, क्या क्रोध और अहंकार को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? देखो भाई, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह, ये पांच चीजें हैं। इसमें से लोभ और मोह को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि मैन मेड हैं। काम, क्रोध और अहंकार, ये गॉड मेड हैं, इसको पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इनमें मॉडरेशन लाया जा सकता है। ज़रूरत के समय आएंगे और ज़रूरत का अपना काम करेंगे और फिर चले जाएंगे। अगर गुस्से को ख़त्म कर दिया जाए तो आदमी की एक्टिविटी जाती रहेगी और वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसी तरह अगर काम को ख़त्म कर दिया जाए तो इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े होते हैं। भाई देखो, ना तो हम किसी को इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं, ना ही दरिद्र। हम तो बस इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं। अगर ईगो को ख़त्म कर दिया जाए तो आदमी की उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जिसको लिबरेट किया जाता है उसकी भी थोड़ी सी ईगो दबाकर रखी जाती है और इसे आखिरी समय पर साफ किया जाता है। मालन, जरा दूसरा चिलम लेके आना। बाबूजी, गुरु और ईश्वर में अंतर क्या है? ईश्वर के पास मन नहीं है। अगर उसके पास मन होता तो वो भी इंसानों की तरह संस्कारों के चक्कर में आ गया होता और जन्म मरण के बंधन में बन जाता। अल्लाह मियाँ अपने जैसा दूसरा अल्लाह मियाँ नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हम अपने जैसे हजारों पैदा कर सकते हैं। ज्यादा हुक्का ना पियो, गला खराब हो जाए। अच्छा अच्छा, इस बार तो भगा दिया डंकिनी को, अगली बार आएगी तो हुक्का ले जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा बाबूजी, बाबूजी क्या अभ्यासी को और भी किताबें पढ़नी चाहिए? हमारी ये चार किताबें अपने आप में पूरी हैं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इनके परे है। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार। नमस्ते। बाबूजी, कभी कभी ध्यान में चमक दिखती है। जब रियलिटी मैटर को टच करती है तब चमक पैदा होती है। जो लोग महामाया के रीजन से ऊपर होते हैं वो सिर्फ आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही चमत्कार दिखा सकते हैं। इसलिए जब हमें सांसारिक कामों में ज़रूरत होती है तब हम उन प्रसेप्टर से कहते हैं जो महामाया के रीजन से नीचे होते हैं। बाबूजी, आपकी पुस्तकों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये पुस्तकें ट्रांसमिट कर रही हैं। क्या तुम्हें ऐसा अनुभव होता है? हाँ, तभी तो बाबूजी मैं ऐसा कह रहा हूँ। तुम्हारा अनुभव सही है, और ये सबसे ज्यादा मेरी उस पुस्तक 10 उसूलों की सरह में मिलेगी। ये तो बाबूजी मुझे पता नहीं, इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन आपकी पुस्तकों को पढ़कर ट्रांसमिशन मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हें पता है कि ये बात हमारे 10 उसूलों की सरह में ज्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि उस पुस्तक को हमने नहीं लिखा है। क्यों बाबूजी, उसमें नाम तो आपका ही लिखा हुआ है। सुनो,
एक बार हमारे गुरु भाई पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी हमारे पास आए और अनेक प्रकार की बातचीत करने के बाद वो बोले कि भाई साहब, मिशन के 10 उसूलों पे कमेंट्री लिखवा दीजिए। हमने कहा कि भाई ये तो लाला जी साहब की चीज़ है, हम कैसे लिखवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप लिखवा सकते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, हमें कुछ समय चाहिए और फिर हम सोचेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, कितना समय चाहिए। हमने 6 महीने का वक्त ले लिया। वो अपनी डायरी में समय लिखे, फिर थोड़ी देर और बात करके चले गए। ठीक 6 महीने बाद वो फिर आए और कागज़ कलम लेकर बोले कि भाई अब लिखवाइए। हमने पूछा कि क्या लिखवाएं। तो उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि 10 उसूलों पे कमेंट्री लिखवाएंगे 6 महीने बाद। तो हमने बोला कि भाई हम तो भूल ही गए थे, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब आपको लिखवाना पड़ेगा। तब हमने बोला कि ठीक है लिखिए। मैं बोलता गया और वो लिखते गए और इस तरह 3 बैठक में 10 उसूलों पे हमने कमेंट्री लिखवा दी। विचार ऊपर से आते गए और हम बोलते रहे। हम तो सिर्फ एक माध्यम थे। 10वें उसूल की कमेंट्री लिखवाने के बाद हमने सोचा कि एक अपेंडिक्स आदि के 2-4 वाक्य और लिखवा दें, पर कोई भी विचार आया ही नहीं। अब आप लोग समझे? जी बाबूजी। बाबूजी, रियलाइजेशन का अनुभव कैसा होता है, क्या इसका आप अनुभव करा सकते हैं? एक बार हमें किसी ने चैलेंज किया था तो हमने उसे 1 मिनट में ही रियलाइजेशन की आखिरी हालत तक पहुंचा दिया था और फिर हमने अपनी पूरी ताकत खींच ली थी और वो जैसे का तैसा हो गया। ये बात कुछ 1957 की है। उस समय कुछ लोग मुझसे शाहजहांपुर में मिलने आए हुए थे। उनमें से एक ने बोला कि प्राचीन काल में तो ऋषि मुनि मिनटों में ही रियलाइजेशन करा देते थे। हमने कहा कि हाँ भाई, वो लोग करा देते होंगे, हमारे यहाँ तो समय लगता है। और ये कहते कहते हमने उसे रियलाइजेशन की आखिरी हालत तक पहुँचा दिया और फिर पूछा कि क्या तुम्हारा शरीर है। उसने जवाब दिया नहीं। फिर हमने पूछा कि क्या तुम्हारी आत्मा है। उसने जवाब दिया नहीं। फिर हमने पूछा तो क्या है, तो उसने बोला कुछ नहीं बाबूजी। फिर हमने कहा यही रियलाइजेशन की आखिरी हालत है। फिर हमने अपनी पूरी ताकत वापस खींच ली और वो जैसा था वैसा हो गया और वो जिद करने लगा कि उसकी हालत परमानेंट कर दी जाए। और हमने उससे बोला कि भाई हम किसी से वादा तो नहीं करते, लेकिन हम तुमसे कर रहे हैं कि ये हालत हम परमानेंट कर देंगे, लेकिन पहले तुम एमए पास करके आओ। बाबूजी, यदि आज भी वो आ जाए तो क्या आप उसे कंप्लीट रियलाइजेशन करवा देंगे? हाँ भाई, करा तो देंगे, हमने वादा किया है, लेकिन पहले वो एमए पास करके आवे तो सही, हम अपने वादे पे अडिग रहेंगे। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं जिसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता और जिनका जवाब दें वो समझ में आवे नहीं। एक बार लाला जी साहब से एक सज्जन ने पूछा कि ईश्वर ने क्रिएशन क्यों की। लाला जी साहब बोले भाई उस वक्त ना तो तुम थे ना हम, नहीं तो मना कर देते। एक बार एक भाई साहब ने लाला जी साहब से पूछा कि भाई आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। लाला जी साहब शांत रहे। फिर से उन्होंने थोड़ी देर बाद पूछा कि मैंने आपसे पूछा था कि आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। लाला जी साहब बोले हमने शायद आपको उत्तर दे दिया है। एक बार एक बुजुर्ग हमारे पास आए और उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का तरीका हमसे पूछा, तो हमने उनको ईश्वरीय प्रकाश पे ध्यान करने का तरीका बताया, तो वो तुरंत बोले बस इतना सा ही, इतने से क्या होगा, इससे भगवान नहीं मिल सकता। तो हमने बोला कि भाई अभी बात पूरी नहीं हुई है, रात को 2 बजे उठें, ठंडे पानी से नहाएं, फिर वहीं बाथरूम में बैठकर जमीन या पत्रे पर बैठकर 2 घंटे पूजा करें। तो बड़े खुश होकर बोले
कि हाँ ये हुई ना पूरी विधि, इससे मिल सकता है। लोग लोहे के चने चबाने को तैयार हैं, लेकिन हलवा खाने को नहीं। देखिए नारायणचारी जी, हम आपसे कहते थे ना, वो बात सही है। बाबूजी, डॉक्टर केसी वरदाचारी का पत्र है आपके लिए। काशीराम जी, आप ही पढ़ दीजिए। जी बाबूजी, डॉक्टर केसी वरदाचारी लिखते हैं कि वे काफ़ी हैरान और परेशान हैं ये जानकर कि आपके घर का एक हिस्सा बाढ़ में गिर गया। वे लिखते हैं कि वे हैरान हैं कि मास्टर के घर में ऐसी आपदाएँ कैसे आ सकती हैं। जून 1958 में आपके पुत्र दिनेश ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद अब बाढ़ में आपके घर का हिस्सा ढह गया। वे लिखते हैं कि वे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। काशीराम जी, हम आपको उत्तर लिखवाते हैं, आप उनको जवाब दे दीजिए। जी बाबूजी। माय डियर वरदाचारी, फॉर योर कंसोलेशन आई मस्ट से दैट आई डू नॉट फील द लीस्ट डिस्टर्ब्ड by collapse of the house, which was only 28 years old. On the other hand, I feel rather happier in a way. The current of the river, after washing away the railway line close by, had diverted its direct course towards my house, striking the rear wall with full force, and it was but the divine grace that saved the portion of the house which survived. Regarding your letter, that as to how to help me, I think the best way would be to pray that I may remain happy as I am today, even though sky falls upon my head. Affectionately, Ramchandar. Phula bagiya bina na chalo ali. हम हुक्का लेकर आते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल मालिन, कहां मर गई? अरे मालिन, अरे ओ मालिन, कहां हो? अरे तू यहां बैठी है, हम तो के कहां कहां ढूंढे। तुमसे कहन रहा है ना कि हुक्का दे दियो। ना बनाम। देख लियो अब, अगर हुक्का ना पहुंचा तब देख लियो तुहार का हसर करत हूं। पता नहीं अपने का काई समझत है। हमार हसर करे, हमका बैकुंठ पहुंचे। ये रामचंद्र जी का घर किधर है? वो उधर आगे से बाएं। उस तरफ? हाँ। धन्यवाद।
नमस्ते, मैं मद्रास सेंटर से अभ्यासी हूँ। मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। आइए, लेकिन अभी वो आराम कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। आप उनके कमरे में जाकर बैठ सकते हैं। अच्छा, बशर्ते आप उनके आराम में खलल ना डालें। आइए। क्या यही व्यक्ति मुझे लक्ष्य तक ले जाएगा? इन्हें तो शायद चलने फिरने में भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती होगी, तो फिर ये मेरी मदद क्या करेंगे? मैं अकेला बरेली से इतनी दूर इनसे मिलने आया ही क्यों? गुरुजी प्रणाम, मैं मद्रास सेंटर से अभ्यासी हूं। भाई साहब, आपका सामान कहाँ है? बाहर सड़क पर एक कार खड़ी है, उसमें रखा है। सुनो भाई, बाहर गाड़ी खड़ी है, उसे इधर बुला लो और उसमें से सामान निकालकर बगल वाले कमरे में रख दो। और हाँ, कुछ चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त कर देना। पानी तैयार है, आप नहा लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं पार्थ सारथी राजगोपालाचारी। मैं ईश्वर सहाय। बैठिए। आपने चाय पी ली? जी हाँ। सब खैरियत? जी। क्या आप प्याज खाते हैं? नहीं, हम प्याज नहीं खाते।
खाना तैयार है। चलिए खाना तैयार है और हमने आपके लिए दही का भी इंतजाम किया है। हमें पता है कि दक्षिण भारतीय लोग दही लेते हैं। मास्टर एक प्रश्न है, मास्टर मुक्ति कैसे मिलती है? अगर जिंदगी के आखिरी समय तक कोई संस्कार रह जाए तो वही हमारे अगले जन्म की वजह बन जाता है। इसीलिए मुक्ति पाने के लिए संस्कारों का खत्म होना बहुत जरूरी है। इसके दो तरीके हैं, एक इसका भोग किया जाए, दूसरा सद्गुरु अपनी रूहानी ताकत से इसको जला दे। दूसरा तरीका अननेचुरल है और गुरु इसको बहुत ही रेयर कंडीशंस में ही यूज करता है। लाला जी साहब भी इसकी परमिशन नहीं देते। तो क्या बाबूजी संस्कारों को भोगना ही पड़ता है? ज्यादातर समय गुरु इन संस्कारों का भोग सपनों में ही करा देता है। अगर संस्कारों का भोग करना जरूरी ही है तो गुरु पहले परिस्थितियां पैदा करता है, यानी कि उनको भोग करने की काबिलियत दे देता है। गुरु इनकी इंटेंसिटी कम कर देता है। फर्ज कीजिए कि भाले की नोक लगनी है लेकिन वो एक सुई की चुभा नहीं रह जाती है। कुछ संस्कार इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनका भोग तुरंत ही पैदा हो जाता है। किसी भी काम के कामयाब होने के लिए अनफेलिंग विल की जरूरत होती है। अगर मास्टर पर भरोसा नहीं है तो काम नहीं हो सकता। शक रूहानियत का दुश्मन है। असल में शक ये बताता है कि आपका मास्टर पर भरोसा नहीं है। ठहरने का आमंत्रण इतना सच्चा और स्नेह भरा था कि मेरे पास यहाँ रुक जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रहा। मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। मेरे पलंग के पास दीवार पर आदि गुरु लालाजी महाराज का चित्र लगा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लालाजी महाराज मेरी ओर घूर रहे हैं। अंधेरे में भी मुझे लग रहा है जैसे लालाजी महाराज की तीक्ष्ण आंखें मेरी आत्मा को छेदती हुई मेरे आर पार हो रही है। नमस्ते। नमस्ते। आज आप कुछ जल्दी ही उठ गए। गुरुजी रोज हुक्का पीते हैं क्या? बाबूजी को हुक्का बहुत पसंद है और दिन की शुरुआत वो हुक्के से ही करते हैं। अच्छा। हम अपने गुरु महाराज को बाबूजी कहते हैं। नमस्ते बाबू। गुरुजी प्रणाम।
That's all. बाबूजी मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। इतने कम समय में इतना गहरा प्रभाव, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना घर छोड़कर किसी लंबी यात्रा पर निकल गया हूँ और अपनों को पीछे छोड़े जा रहा हूँ। आखिर इस व्यक्ति में ऐसा क्या है? So, I came to Babuji Maharaj and he used to tell us that he was receiving messages from Lalaji Maharaj. I have seen him receiving. I couldn't hear him, of course. He would just like that, you see. And then he would put on his cap. And if he had to do something, he would do something. Sometimes if it wasn't clear, he would sit on the cot and wait for the message to be repeated.